Wow, now I may look more fairer. Yeah. आपने कौन कौन से ऐसे पागल देखे अपने आस पास जो बॉलीवुड से मुतासर थे और उनकी आप कहानी इसमें दोहरा रहे हैं? सलीम, गिनती कम पड़ जाएगी यार. मतलब एग्जैक्टली अगर मैं पिन पॉइंट करने जाऊँ तो आई मीन लाइक इट्स फ्लडेड, यू नो. पूरा नेशन बॉलीवुड के इम्पैक्ट के अंडर है. जैसे कहते हैं ना, इंडिया में क्रिकेट और सिनेमा, ये दो चीज़ ऐसी है, मतलब हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं होती इन दोनों चीज़ों के बगैर. फेस्टिवल है तो सिनेमा देखने जाते हैं, कल्चर है हमारे यहाँ, राइट. क्रिकेट है तो सेलिब्रेशन है. सो उस इम्पैक्ट को, उस जुनून को मे बी राइटिंग में कैप्चर करने की कोशिश की है. सो इट्स अक्रॉस द नेशन, पिन पॉइंट कर नहीं सकते. रेयर नहीं है ये, इट्स देयर. या सेम थिंग ना, सेम आंसर व्हाट आई सेड. दिस इज व्हाट एक्साइटेड मी. आई वॉज मूव्ड. ये अंदर उबल रहा था ये पैशन, ये जो थॉट है अंदर की, कि बाहर आना है करके अंदर खोल रहा था. सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो इट्स आउट नाउ. नहीं है, हम सब की कहानी है. मेरी लाइफ से भी काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है. मैंने भी वो जर्नी देखी है, ऑब्जर्व किया है, ऐसे कैरेक्टर्स को देखा है. सो इट्स ऑल अक्रॉस, है ना. तो कोई एक पर्टिकुलर इंसान को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते. लाखों में है ये तादाद, बहुत ज़्यादा है ये. हाँ, जो आपको अभी भी याद आता है कि आप उस टाइम में इतनी पागल थी, ये करती थी, डाइटिंग करती थी? और नहीं, मैं अभी भी डाइटिंग नहीं करती हूँ. मैं बहुत लेजी हूँ. मुझे डाइटर ने बहुत डांटा क्योंकि मैं ऐसे नहीं थी, मैं ऐसे फनेटिक नहीं थी. पर मैंने बहुत देखा है. अब अभी भी लोग मुझे आके पूछे, कैन यू गिव माई डॉटर रोल इन द फिल्म, कैन यू गिव हिम अ रोल इन द फिल्म. तो अभी भी लोग पागल है. और मैंने देखा है जुहू में अभी भी लोगों, एक लड़का 10 साल से वही बैठा है यश चोपड़ा के, यू नो, यशराज के ऑफिस के सामने एक रोल के लिए. तो मैंने देखा है ऐसे बहुत. मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी बॉलीवुड में, उसके लिए मैं क्या करूँगी. तो डायरेक्टर के काम है. इस फिल्म के दौरान कहीं आपकी आंखें नम हुई कि पूरा हिंदुस्तान दौड़ रहा है एक ही दिशा में? और कितनी कितनी सही बात है, कितनी गलत बात है? क्योंकि एक जब एक बच्चा अपने परिवार से दूर होता है तो पैसे की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, उसके माँ बाप दुखी, भाई नहीं, सब सोचते कि अच्छा कुछ नहीं हो. अब बॉलीवुड बहुत ग्लैमरस है. बॉलीवुड, हम लोग बॉलीवुड में हम जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे लोगों का सोच है. पर वो लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि बॉलीवुड इतना डिफ़िकल्ट है, हम लोग के लिए भी डिफ़िकल्ट है. तो एक ऑर्डिनरी मैन के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट है. ये लोग रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि बॉलीवुड दूर से बहुत ग्लैमरस है, बहुत बड़ा है. तो ये फिल्म ये संदेश देती है कि बॉलीवुड ये नहीं, मतलब फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर हार्ट, मतलब पर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. वो उनका एक कहने का नजरिया था, वो एक परसेप्शन था. बट शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्म. फिल्म, हाँ, इन जनरल वो एक परसेप्शन था. फिल्म जो है, फिल्म हमारी बात करती है कि आप अपने ड्रीम को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, चाहे आप कोई भी ऑक्यूपेशन में हो. चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे वो आप एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हो, सब स्ट्रगल सब में है. कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें स्ट्रगल नहीं है, जिसमें हार्ड टाइम नहीं है. तो ये हमने थोड़ा बॉलीवुड को एग्जैजरेट कर रखा है. क्रिकेटर भी बनना उतना ईजी नहीं है जितना एक बॉलीवुड स्टार बनना है. बट येस, आप अपने ड्रीम को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो, वो जुनून, वो जो मैडनेस क्या आप में है, राइट. सो ये फिल्म उस मैडनेस की बात कर रही है, द ऑड वंस जिसे कहते हैं. सो दैट इज द फिल्म. जैसे सलीम, राइट, मेरा जो कैरेक्टर है, राइमा जो बता रही है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो पागल है, मैड है, जस्ट टू गेट वर्क इन द बॉलीवुड. सो ऐसे हैं काफ़ी कैरेक्टर्स हैं. सर ने बताया कि लाइक पूरा हिंदुस्तान बॉलीवुड के लिए पागल है. पूरी दुनिया में शायद इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे बॉलीवुड स्टार के लिए टेंपल बनते हैं, उनके शो को लाइक रखा जाता है, नाम चेंज किए जाते हैं, उनको फॉलो किया जाता है. इस फिल्म के बाद राइमा का भी बनने वाला है. सो उन पे बेस्ड है ये कहानी. ये कहानी सलीम की या रोहित की नहीं है, ये आप सब की, हम सब की कहानी है. उनके बीच का एक कैरेक्टर है ये, जो बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता है और
उसकी एक जर्नी है कि क्या उसको फेस करना होता है और वो कैसी परिस्थितियों में अपने घर में रहता है कि फादर बीमार है, उनकी मेडिसिन है, मंथली रेंट देना है, छोटा भाई है, मम्मी है, अकेला कमाने वाला है, इतना डिफरेंट सिचुएशन में उसको एक उसका एक सपना है कि वो बॉलीवुड एक्टर बने और उसकी एक एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। आई होप कि आप अपने पर्सनल इवेंट डाले हैं इसमें कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आपको याद आता है कि आपने कुछ ऐसा पागलपन ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं कि रायमा ने आपको बोला कि ये पागलपन सलीम का भी है? नहीं, एक्चुअली होता है लाइक यू नो मेरी फर्स्ट फिल्म है, डेब्यू है मेरा, तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट करता हूँ इस कहानी से कि मैं भी बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता था और तो वो रिलेट करता है लाइक बिल्कुल नम हुई। मैं सही पूछा आपने, मैं आंखें नम हुई मेरी, सही बोला आपने। और बहुत रियलिस्टिक कहानी है, ऐसे लगेगा कि आपके साथ ये सब हो रहा है। आशीष जी का जो चैप्टर है, जब हम शूट कर रहे थे तो आशीष जी का जो था वो डायलॉग के लाइक वो मैं जिस काम के लिए इस दुनिया में आया हूँ वो तो मैं लाइक ऐसा एक डायलॉग था तो मुझे लगा कितना लाइक क्लोज है, लाइक हमारी ज़िंदगी से कितना क्लोज है, तो काफ़ी जगह आंखें नम हुई। सर आप कितनी दूर इनके चैप्टर में बिल्कुल आंखें नम नहीं हुई हैं। हम डिस्कस करते थे, रायमा ने मुझे बहुत गाइड किया, आशीष जी ने मुझे बहुत गाइड किया और ये मेरे से लाइक यू नो नॉन एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। सो सीनियर मत बोलो यार, आई एम तो किड ना एक्चुअली। जी बताइए जैसे बॉलीवुड में क्या रहा है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये रहेगी, मैं फर्स्ट टाइम एक फिल्म बना रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट मुझे मिले तो उस पर मैं फिल्म बनाऊँ। और सत्यम जी ने जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और इसका जो नरेशन किया तो मैं उसी के अंदर ही खो गया और फिर मैंने सोचा चलो बनाते हैं और बनाया। और जैसा जैसा इन लोगों से मैंने उम्मीद की थी कि ये लोग अपने करेक्टर के साथ न्याय करेंगे और वैसा उन्होंने किया। ये 100% अलग है, जितनी भी फिल्में बनी हैं बॉलीवुड पे वो बॉलीवुड बेस्ड है, चाहे वो लक बाई चांस हो, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं, लेकिन ये वो पहलू है जिसे किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। हम बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्म की बात करते हैं तो हम बॉलीवुड की बात करते हैं, दिस इज़ समथिंग बॉलीवुड से बाहर क्या हो रहा है, छोटे शहरों में बॉलीवुड की वजह से लोगों की लाइफ कैसे अफेक्टेड है, तो ये दिस इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। सो जो अभी तक अनटच है किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। बेसिकली स्मॉल टाउन्स में बॉलीवुड का अलग 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 एक एंगल है, वहाँ पे एक छोटा सा भी एक्टर चला जाए टेलीविजन का तो वो उनके लिए सुपरस्टार है, गॉट माय पॉइंट है। तो वो उनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव है, दैट द फिल्म इज ऑल अबाउट दैट। जी सर, साउथ में आपने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, फिर अभी आपकी बेलूका बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म है, क्या लगता है इस फिल्म को लेकर, कहाँ तक फिल्म दौड़ पाएगी, कहाँ तक इसकी जर्नी चल पाएगी? ये बताना तो बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये कोई नहीं बता सकता कि एक फिल्म की डेस्टिनी क्या होगी, राइट? लेकिन डेफिनेटली फिल्म अच्छी बनी है, फिल्म जो भी थिएट्रिकल वगैरह लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, जिन्होंने भी फिल्म अभी तक देखी है दे लव्ड इट। सो आई डोंट नो अबाउट द कॉमर्स, आई डोंट नो अबाउट द रिसेप्शन, बट यस लोग इससे रिलेट करेंगे, रिलेवेंस है, मास रिलेवेंस बहुत स्ट्रांग है। सो दैट इज इंडीड दैट वुड बी थोरोली सेटिस्फाइंग अगर मास इससे रिलेट करती है और अप्रिशिएट करती है, दैट्स इट। आपने काफ़ी अच्छे अच्छे किरदार प्ले किए अपने फिल्म में, तो इस फिल्म में आप किस किरदार में नजर आएंगे, किस कैरेक्टर में नजर आएंगे? मैं इस फिल्म में एक सेक्स वर्कर प्ले कर रही हूँ, इमली, जो सोनागाची से है, कलकत्ता। और इमली भी सोचते कि प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ एक प्रोफेशन है उसके लिए, एंड शी वांट्स, वो भी एक बॉलीवुड हीरोइन बनना चाहती है, तो ये उसकी ड्रीम है। Thank you so much, और अभी विश यू ऑल द बेस्ट की थैंक यू सो मच प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म ऑन 26 थैंक यू दे विल नेवर वॉच इट दे विल वॉच इट विल वॉच मैम फिल्म कीड़ा दे वॉच इट या दे ऑल आर बॉलीवुड बफ्स यू नो दैट इज द रीजन दे आर हियर या क्या मैम रोहित है इनमें से या
For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.